हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक क्लोज टेस्ट, और ये एक रियल क्लोज टेस्ट है जो कि 8/8/2017 को CGL 2017 टीयर 1 में पूछा गया था, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्लोज टेस्ट को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस टारगेट बैच के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये टारगेट बैच अभी रनिंग है, अभी चल रहा है, और 9 जुलाई से इसमें क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन जो स्टूडेंट पहले जो नहीं कर पाए वो अभी भी 30 तारीख तक इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें पूरा जीके का और पूरा इंग्लिश का कंटेंट इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो क्लासेस के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू और ई बुक के थ्रू। तो इस टारगेट बैच का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसका आप पूरा डिटेल भी आप देख सकते हैं, स्टडी प्लान भी आप देख सकते हैं, और इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग इन नंबर्स पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, 9893719933। तो चलिए देखते हैं इस क्लोज टेस्ट को। देखिए, एक रियल क्लोज टेस्ट है ये, और CGL में टीयर 1 में ये पूछा गया है। SSC के जो क्लोज टेस्ट रहते हैं वो ज़्यादा लेंदी नहीं रहते, और उसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग निश्चित रूप से आपकी चेक की जाती है। तो ये है क्लोज टेस्ट, इसको हम चेक करते हैं। ये लेटेस्ट पैटर्न पर है, पहले यहाँ पर पूरा डिटेल दिया है, उसके बाद एक एक सेंटेंस करके यहाँ पर अलग से दिए गए हैं, और इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा मान सकते हैं कि नया पैटर्न है। जॉब परफॉर्मेंस इज बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर, मोटिवेशन अलोन डज नॉट लीड टू इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस, एबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी मॉडरेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। किसी भी क्लोज टेस्ट को करने से पहले अच्छा होगा कि आप कम से कम उसका 50% पाथ जरूर आप पढ़ें। कोई भी फिल करने से पहले, यहाँ पर ये ब्लैंक दिए हैं, इन ब्लैंक्स को फिल करने से पहले यदि आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम उसका 50-60% पाथ, यानी 3-4 लाइन आपको जरूर जरूर उसकी पढ़ना है, तभी आपको एक रफ आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्लोज टेस्ट को करना है और क्लोज टेस्ट किस बारे में है। और यदि आपके पास सफिशेंट टाइम है तो पूरा ही क्लोज टेस्ट एक बार आप पढ़ लें और एक रफ आइडिया ले लें कि किस बारे में ये क्लोज टेस्ट है और इसका टोन क्या है। तो यहाँ पर हम जॉब परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि जॉब परफॉर्मेंस इज़, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि इज लगा हुआ है और इज एम आर के साथ जब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। तो ये भी एक लॉजिक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी ही थर्ड फॉर्म है, अफेक्टेड, इफेक्टेड, मेजर्ड और इन्फ्लुएंस्ड। लेकिन यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। इज के बाद, इज एम आर के बाद पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे इट इज़ डन, इट इज़ टॉट, इट इज़ करेक्टेड, ठीक है, इट इज़ इंस्ट्रक्टेड, इट इज़ गिविन, इस तरीके से। तो पैसिव वॉइस में हम इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको वर्ब चाहिए, ठीक है। तो इस पैरामीटर को यदि आप ध्यान से देखें तो इफेक्टेड जो है वो वर्ब नहीं है, इफेक्ट एक नाउन है, अफेक्ट एक वर्ब है। तो ये ऑप्शन आप आराम से इसमें कॉन्फिडेंटली आप काट सकते हैं। अब बचे हैं बाकी तीन, इसमें आपके ऑप्शन में बचे हैं जॉब परफॉर्मेंस इज बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। देखिए, फैक्टर्स से क्या होता है, फैक्टर्स किसी चीज को प्रभावित करते हैं। जैसे आपकी हेल्थ है तो उसको काफ़ी सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। आप देर तक सोते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या आप उल्टा सीधा खाना खाते हैं, आप जंक फूड खाते हैं, तो ये फैक्टर्स जो हैं आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स का काम होता है किसी चीज़ को प्रभावित करना, अफेक्ट होना, ठीक है। हालांकि इन्फ्लुएंस का काम भी यही होता है, लेकिन इन्फ्लुएंस क्या है, एक ह्यूमन रिलेटेड वर्ड है, एक ह्यूमन ओरिएंटेड वर्ड है, और इससे जब किसी व्यक्ति का परसेप्शन या किसी व्यक्ति का एटीट्यूड या बिहेवियर जब चेंज होता है तो उस सेंस में हम इन्फ्लुएंस वर्ड को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मेजर्ड का क्या अर्थ है, मेजर्ड का अर्थ होता है नापना। फैक्टर्स से हम किसी चीज़ को नॉर्मली नापते नहीं हैं, फैक्टर्स की वजह से कोई चीज़ अफेक्ट होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मोटिवेशन अलोन डज नॉट लीड टू इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस। कभी आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज्ड है, कभी डिक्रीज है, यानी वो अफेक्ट हो रही है किसी चीज़ से। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा आपका वो होगा अफेक्टेड, अफेक्टेड विल बी द राइट आंसर, ठीक है। मेजर्ड का मैंने बताया कि मेजर्ड क्यों नहीं आएगा, इन्फ्लुएंस्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये ह्यूमन ओरिएंटेड वर्ड है, और मेजर्ड हम किसी चीज़ को जब मेजर्ड करते हैं किसी पैमाने पर, किसी पैरामीटर पर, तो उसमें मेजर्ड हम लगाते हैं। यहाँ पर फैक्टर्स के द्वारा कोई चीज़ अफेक्ट हो रही है, यहाँ पर फैक्टर वर्ड यूज़ हुआ है, इसलिए अफेक्टेड यहाँ पर एकदम सही आंसर आपका होगा। जॉब परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, मोटिवेशन अलोन डज नॉट लीड टू इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस।
केवल अकेला मोटिवेशन जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को नहीं बढ़ा सकता, उसके साथ में कुछ दूसरे फैक्टर्स भी चाहिए. एबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी मॉडरेट द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस. मतलब एबिलिटी और टेक्नोलॉजी जो है वो आपका मोटिवेशन, एबिलिटी आपका मोटिवेशन बनाता है और टेक्नोलॉजी आपका परफॉर्मेंस में आपको मदद करता है. इस तरीके से एबिलिटी और टेक्नोलॉजी मोटिवेशन और परफॉर्मेंस के बीच में एक सेतु का काम करते हैं. ठीक है, हालांकि मॉडरेट का अर्थ होता है किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना, उसको हम बोलते हैं मॉडरेट. ठीक है, जैसे पॉलिटिक्स में या पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा मॉडरेटर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. ठीक है, मॉडरेटर जो होते हैं वो नरमपंथी होते हैं और एक्सट्रीमिस्ट मतलब गर्मपंथी. तो मॉडरेट का अर्थ होता है किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना. ठीक है, तो एबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी मॉडरेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस. द हायर द लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन में हायर भी दिया है, हाई भी दिया है, लार्जर भी दिया है. क्योंकि यहाँ पर हायर दिया, द हायर दिया है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स में हम द हायर ही यूज़ करेंगे. जब कंपैरेटिव डिग्री का दो बार यूज़ होता है तो दोनों बार ही हम द का यूज़ करते हैं और दोनों बार ही हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे यदि मैं आपसे बोलूँ कि द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, मैं ऐसे नहीं बोल सकता द हायर यू गो द कोल्ड यू फील. दोनों बार ही आपको दा लगाना पड़ेगा और दोनों बार ही आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना पड़ेगा. तो इसलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा आपका, द हायर द लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन द हायर द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी. मतलब एबिलिटी और मोटिवेशन का लेवल जितना हाई होगा परफॉर्मेंस का लेवल भी उतना ही हाई होगा. तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो होगा द हायर. हाई या हायर इसमें नहीं होगा. और लार्जर का तो कोई सेंस नहीं है क्योंकि लार्जर आप मोटिवेशन परफॉर्मेंस के सेंस में आप लार्जर नहीं लगा सकते. लोअर लगा सकते हैं लेकिन लोअर कहना कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गलत होगा क्योंकि यदि एबिलिटी और मोटिवेशन आपके पास ज़्यादा है तो आपकी परफॉर्मेंस लोअर नहीं होगी, आपकी परफॉर्मेंस हायर होगी. तो लोअर कहना कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गलत है, लार्जर कहना भी बिल्कुल गलत है, हाई ग्रामर के हिसाब से गलत है और द हायर जो है वो सभी तरीके से सही है. ठीक है, तो इसमें आप कॉन्फिडेंटली आप लगा सकते हैं आंसर सी. तो इस तरीके से क्लोज टेस्ट में आपको अपने आंसर्स को लॉजिकली जस्टिफाई करना होता है, तब आप सही आंसर तक आप पहुंच सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं द हायर द लेवल ऑफ एबिलिटी द एंड मोटिवेशन द हायर द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी. हाउएवर इंक्रीजिंग मोटिवेशन बियॉन्ड एंड लेवल टेन टू अ डिसफंक्शनल रिजल्ट. अब देखिए यहाँ पर डिसफंक्शनल रिजल्ट आया है, मतलब डिसफंक्शनल जो है एक नेगेटिव वर्ड है. ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव वर्ड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या वर्ड आएगा. रिजल्ट जो है, रिजल्ट को हम क्या करते हैं, यदि यहाँ पर देखा जाए तो रिजल्ट को हम क्या करते हैं, रिजल्ट वाले ऑप्शन हम देख लेते हैं और लेबल के साथ कौन सा वर्ड आ सकता है इसके भी हम ऑप्शन देख लेते हैं. देखिए सर्टेन ऑप्टिमल डिजायर्ड और इंक्रीज्ड. ठीक है, इंक्रीज्ड मोटिवेशन बियॉन्ड एन ऑप्टिमल लेवल. मतलब कोई भी चीज़ यदि एक ऑप्टिमल लेवल पर पहुंच गई और उसके बाद भी उसको आप खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो डिसफंक्शनल होगा, वो गलत होगा, वो नेगेटिव होगा. ठीक है, सबसे हाई पॉइंट पर पहुंचने के बावजूद भी आप यदि किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो डिसफंक्शनल होगा. ठीक है, ये इसका मतलब है. However, increasing motivation beyond an optimal level, यदि आप कुछ ज़्यादा ही motivated हैं तो आपका जो result आएगा वो सही नहीं आएगा. तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, optimal मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा हो सकता है. ठीक है, certain का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं कि एक limit जब cross कर जाती है तो उसके बाद dysfunctional result जो होता है वो आता है. तो लिमिट क्रॉस कब होगी, जब आप सबसे ऊपर के पॉइंट पर पहुंच चुके होंगे और उसके लिए ऑप्टिमल जो वर्ड है वो सही होगा. तो इंक्रीजिंग मोटिवेशन बियॉन्ड एन ऑप्टिमल लेवल टेन टू. अब रिजल्ट को क्या किया जाता है, रिजल्ट को रिड्यूस किया जाता है, डिड्यूस किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है. रिजल्ट को आप प्रोड्यूस करते हैं. डिड्यूस का मतलब तो होता है निष्कर्ष निकालना, तो डिड्यूस तो बिल्कुल गलत होगा. ठीक है, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, deduce का मतलब होता है इन्फर करना, इंट्रोड्यूस रिजल्ट को आप इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं तो ये भी पूरी तरह से गलत हो जाएगा. सही आंसर होगा यहाँ पर प्रोड्यूस, क्योंकि रिजल्ट को आप प्रोड्यूस करते हैं.
ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10-2 के बाद जो आपका आंसर होगा वो होगा प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूस ए डिसफंक्शनल रिजल्ट। इसके बाद हम देखते हैं बिकॉज इट इज़ बाय एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एंग्जाइटी। यदि आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई है तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है आपके साथ लोगों की जो एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है वो बहुत ज़्यादा होती है, आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है और आपका एंग्जाइटी लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यदि इंक्रीज्ड मोटिवेशन है आपका तो इसके साथ एंग्जाइटी भी आएगी। अब बाय के साथ कौन सा वर्ड जुड़ सकता है? अमलगमेटेड नहीं जुड़ सकता, एफिलिएटेड के साथ टू जुड़ता है, अबेंडेंट के साथ प्रपोजिशन नहीं आता, या अबेंडेंट के साथ वैसे बाय आप लगा सकते हैं, और एकम्पनेट के बाद बाय लगता है। तो एकम्पनेट का मतलब है कि ये इस चीज़ के साथ आता है, यदि इंक्रीज्ड मोटिवेशन है तो उसके साथ एंग्जाइटी भी आएगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बाय, एकम्पनेट बाय, बिकॉज इट इज़ एकम्पनेट बाय, मतलब वो चीज़ उसके साथ में आती है। तो इस तरीके से आपको इन क्लोज टेस्ट को आपको करना होता है। तो यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इस चैनल का नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल, तो इस चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। और यदि आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर आप मुझे अपना फीडबैक भेज सकते हैं। यदि आप टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं निश्चित सफलता के लिए CGL 2018 में, तो इन नंबर्स पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी हमारे टारगेट बैच को ज्वाइन करके GK और इंग्लिश में अपनी सफलता आप सुनिश्चित कर सकते हैं। और एक बार आप हमारा टारगेट बैच ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद इंग्लिश के बारे में और GK के बारे में आपको कुछ भी सोचने की या कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और सारी क्लासेस सिस्टमेटिक चलेंगी, उन क्लासेस को आप कभी भी अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर या PC पर देख सकते हैं। और इस टारगेट बैच की जो फीस है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है किसी भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग से, कोई भी स्टूडेंट इसको आसानी से ज्वाइन कर सकता है और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकता है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।